जवा के ग्राम पंचायत बसरेही अंतर्गत गुजवा गांव के दानव बाबा प्रांगण में खेले जा रहे स्वर्गीय संकटा प्रसाद सिंह एवं अजय सिंह स्मृति टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज मुख्य अतिथि जिला कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व तेउतर कांग्रेस प्रत्याशी रमाशंकर सिंह की उपस्थिति में टूर्नामेंट सम्पन्न हुआ, जहाँ पर सबसे पहले मुख्य अतिथि के द्वारा स्वर्गीय संकटा प्रसाद सिंह एवं अजय सिंह की प्रतिमा में दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद अतिथियों को आयोजकों द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात फाइनल मैच का खेल खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया गया। फाइनल टूर्नामेंट गदामार और टरहर के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जहां पर सबसे पहले गदामार टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 9 विकेट खोकर 120 रन का टारगेट टरहर टीम को दिया गया, जिसका पीछा करते हुए टरहर टीम के खिलाड़ियों ने 8 ओवर में 85 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। इस तरह से गदामार टीम ने 35 रन से मैच को अपने कब्जे में कर जीत हासिल कर ली, जिसे मुख्य अतिथि के द्वारा विजेता व उप विजेता टीम को पुरस्कार एवं शील्ड से सम्मानित किया गया। आज बसरेही गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन था और वही संगठन प्रसाद सिंह जी और अजय सिंह जी, जिनका खेल से बहुत करीबी नाता रहा है, अपने जीवन काल में लोगों ने खेल को लंबे समय से खेल का आयोजन यहाँ होता रहा है और उन्हीं की स्मृति में यहाँ के नौजवान साथियों ने क्रिकेट का आयोजन किया है। इस शुभ अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे कि खेल ही एक ऐसा क्षेत्र है जो खिलाड़ी को सही एक अवसर देता है कि वास्तव में समाज में जीवन जीना कैसे और किस तरीके से समाज को एकजुट रखना है, इसलिए ऐसे आयोजनों का समय समय पर होना बहुत आवश्यक है। मैं बधाई देता हूँ उस क्षेत्र के उतला बसरी गुजवा के नौजवान साथियों को, जो दर्शक साथी आए, जो खिलाड़ी आए, जो ऐसे आयोजनों में हमेशा सहभागी होते रहे, ऐसे आयोजन करते रहे, साथ में नववर्ष की और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं हम लोगों को। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।